नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टियाजा कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक गार्डन फीलिंग का। होली आने वाला है तो होली का रंग आपके पर्सन की जिंदगी में कैसे रंगा रहा है, आपका रिलेशनशिप को कैसे ये खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं या क्या सिचुएशन में है, जानने के लिए आज का रीडिंग। क्या कारण फीलिंग है आपके पर्सन के इमीडिएटली आपके लिए, टाइमलेस है, जब ये देखेंगे ये आपके लिए रेजोनेट करेंगे एंड इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग सबके लिए। जिनके सामने ये रीडिंग आ रहा है वो आपका रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन का कारण फीलिंग फिलहाल क्या है आपके लिए। पहले हम लोग देखेंगे कार्ड से एनर्जी होता है। कार्ड सबसे ज्यादा इंट्यूटिव एनर्जी को इनहेंस करते हैं। एक्चुअली कार्ड से सबसे ज्यादा आप इंट्यूटिव रिजल्ट जो है सबसे अच्छा मिलते हैं, ठीक है ना। सो हम लोग देखते हैं कार्ड से, हर जगह से मिलते हैं मगर कार्ड बहुत अच्छा आंसर देते हैं। सो लेट स्टार्ट कार्ड से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, इमीडिएट करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, देखने के लिए आज का रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है नाइन ऑफ डायमंड, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आया है नाइन ऑफ डायमंड। आपको सुविधा के लिए मैं बोल दूंगी टैरो कार्ड के साथ इसका क्या क्या मैच होता है। नाइन ऑफ डायमंड एक्चुअली स्टैंड्स फॉर नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं, मैं सबको देख तो बोल रही हूँ। से एस ऑफ क्या है, ये सब क्लब्स। ये सब क्लब्स मतलब क्लब ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं आपका वांड्स को, तो एस ऑफ वांड्स। टू ऑफ वांड्स आप लोगों को सुविधा के लिए बोल रही हूँ। टेन ऑफ डायमंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ डायमंड, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ डायमंड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ हार्ट, सेवन ऑफ कप्स। ऑप्शन है टेन ऑफ क्लब बट टेन ऑफ व्हाट, क्लब्स मीन्स ऑलवेज वांड्स, टेन ऑफ वांड्स। फाइव ऑफ क्लब्स, फाइव ऑफ वांड्स एंड द जोकर, फूल, ठीक है। कभी कभी जोकर फूल एनर्जी के हिसाब से भी हम लोग मानते हैं, कहीं कहीं मैजिशियन की जगह से भी मानते हैं। ओवरऑल एनर्जी में जो निकलेगा मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे जो जोकर का जो ये है दैट इज अ मैजिशियन एनर्जी, ठीक है। और दो चार कार्ड देख के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइव ऑफ हार्ट, फाइव ऑफ कप्स, दुखी एनर्जी है। एट ऑफ हार्ट, एट ऑफ कप्स, दुखी। नाइन ऑफ कप्स, विश लेके बैठे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ डायमंड। तो यही आया क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ डायमंड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन का फैमिली इश्यू बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंटली चल रहा है, जहां पे फैमिली को ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है इस मोमेंट पे। देखिए फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस मोमेंट पे, जहां पे यहाँ पे अगर ऐसा है कि आपका हो सकता है कि आप मैरिड हो, इस मोमेंट पे कोई थर्ड पार्टी इशू है इसीलिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको उनको फैमिली मान रहा है तभी ऐसा कर रहा है, फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं तब हो रहा है।
कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देने का एक एनर्जी हो रहा है, मगर इम्पोर्टेंस इन द सेंस डोंट थिंक बहुत प्यार से, यहाँ पे प्यार से नहीं दिख रहा है। यहाँ का एनर्जी में मुझे जो दिख रहा है आपके लिए 100% एक क्वीन जैसा आपको फील करना, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं से पूरा एक क्वीन जैसा आपको फील करना नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। कुछ एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, साथ ही साथ एक बर्डन फीलिंग, ठीक है, साथ ही साथ एक एक्सट्रीमली बर्डन फीलिंग उनको खा रहा है, उनको बहुत ज्यादा टेंशन के कारण बन रहा है ये चीज। देखिए कंटिन्यू कॉल बजते, आज मैं स्विच ऑफ करना भूल गई तो कॉल, इसीलिए माना करती हूँ कि रीडिंग की टाइम में कॉल मत कीजिए, ठीक है ना। अच्छा चलिए, सो ये जो टाइम है मैं जो देख रही हूँ यहाँ पे, सॉरी मुझे कॉल कट करना पड़ रहा है, फिर रीडिंग मैं फिर आ रही हूँ। स्टार्ट करते हैं, जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह में कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन, इसके अंदर टू ऑफ वांड्स, कहीं ना कहीं टू ऑफ क्लब्स, आपको चुनना कहीं ना कहीं एक जगह से, फैमिली एंड ऑल, बहुत ज्यादा इस मोमेंट में इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं से बर्डन फीलिंग, वहां से निकालना का, हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम हो चुका है, ऐसा कुछ सिचुएशन है जिससे ये निकालने के लिए मतलब ना प्रॉपरली कन्वर्सेशन में आपसे जा पा रहा है, कॉन्टैक्ट में जा पा रहा है, ना वो खुद को भी थोड़ा सा ईगो में हैंडल कर रहा है, इस टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा ईगो, थोड़ा सा हैंडल करने में प्रॉब्लम चीज को, एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज्यादा फैमिली में इन्वॉल्व हो रहा है, एंड फैमिली कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ बिहेवियर कर रहे हैं इनसे जिनसे इनका चेन ऑफ वांड्स है, इस टाइप का एनर्जी मुझे दे रहा है। चेन ऑफ कप्स जो हम लोग देखते पाए, चेन ऑफ क्लब्स का जो एनर्जी है इसमें ये बार बार आ रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन फीलिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन में, मगर ऐसा कार्मिक बॉन्ड में फंसा है ना, जो कार्मिक बॉन्ड में एक्चुअली फंसा है जहां से इनका निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बहुत सेवन ऑफ कप्स का एनर्जी हम लोग देखते हैं, एट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखता है, जहाँ पे सेवन ऑफ हार्ट्स, एट ऑफ हार्ट्स, जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं से ये दुखी है एंड कोई फ्रूटफुलनेस की तरफ, फाइव ऑफ हार्ट्स, हाँ कहीं ना कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत दुखी है, रास्ता है इनको बात पता नहीं चल रहा है, ये दुखी है, ये बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है कि कुछ ठीक हो जाए, कुछ एक्सचेंज हो जाए, मगर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन, नॉट ओनली थर्ड पार्टी, जो फैमिली सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन इनको बहुत रोक रहा है इस मोमेंट पे, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। मगर फर्स्ट कार्ड में ही जो मैंने बोला नाइन ऑफ डायमंड हम लोग देख पा रहे हैं, नाइन ऑफ डायमंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एक क्वीन की जगह से आपको देखना, उन आपको देख के वो कहीं ना कहीं से आ पाए तो बाहर आए, वो एनर्जी में वो आपको देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके बाद ही हम लोग देखते हैं एस ऑफ क्लब्स, एस ऑफ क्लब्स मीन्स एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स मीन्स कुछ एक्शन, जहाँ डिवाइन की तरफ से कुछ एक्शन होगा, जो एक्शन की वजह, एंड आला टू ऑफ वांड्स का एनर्जी है टू ऑफ क्लब्स, तो कहीं ना कहीं आपको चॉइस करेंगे, मगर फिलहाल की एनर्जी में टोटली एक बर्डन, एंग्जाइटी, ये टाइप का एनर्जी मुझे इमीडिएटली आज की डेट पे जो भी आप देख रहे हो, आपका रीडिंग बहुत एंग्जाइटी फीलिंग के अंदर है, ये इनका अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं ना कहीं आप उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा गिवर हो, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की, क्वीन ऑफ हार्ट्स की एनर्जी हम लोग देखते हैं, सो क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स, जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, सबसे ज्यादा गिवर, इस टाइप का एनर्जी में हो आप, जो वो भी बहुत प्यार करते हैं, दुखी है, प्यार का कुछ कमी नहीं दिख रहा है, प्यार है, दुखी है, तभी तो दुखी हो रहा है, नहीं तो फैमिली के साथ एंजॉय करते या थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते, नहीं, इनको भी बहुत सारा सोच विचार इनके दिमाग को खा रहा है इस मोमेंट पे, मगर कहीं ना कहीं से वो आपसे ओपन अप नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सिचुएशन ही ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से ये बहुत ईगो से हैंडल कर रहे हैं चीज को, अभी इमीडिएटली मुझे दिख रहा है बहुत ईगो से हैंडल कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह में ये खुद को आपको एक टेकन फॉर ग्रांटेड जगह में लेके पड़ा है कि नहीं ये तो आएगी ही, ये तो आएगा ही, थोड़ा सा चुप रहे, ये खुद ही आ जाएगा, ये खुद ही आ जाएगी, इस टाइप का एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है ये कार्ड से, मुझे जो एक फीलिंग आ रहा है ये कार्ड मुझे बहुत मतलब ये फीलिंग मुझे बहुत आ रहा है कि ये तो है ही, कहां जाएगी या कहां जाएगा, सो ये जगह में मैं थोड़ा सा दूसरी चीज में ध्यान दू, मेरे कार्मिक जो मेरा साथ में ही निभाने वाला, उनसे थोड़ा सा बार्टरिंग करके खुश रह के सोसाइटी में अच्छा बन के मैं रहूं, या ऐसा कुछ एनर्जी में इनको मुझे दिख रहा है,
ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है क्योंकि अकेले जब रहते हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच आता है, विचार आता है, इनको लगता है इनके जैसा प्यार मुझे कोई नहीं करने वाला। यहाँ पे ज्यादा मुझे वही एनर्जी दिख रहा है कि इनके अंदर ना बहुत सारे टेकन फॉर ग्रांटेड एंड ऑल है। शायद आप थोड़ा चुप बैठे हो, अभी थोड़ा सा आप एनर्जी कम दे रहे हो, तब जाके आपके अंदर दुख पैदा हो रहा है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली इनको भी कनेक्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा लग रहा है, तभी जाके ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, मैं देख रही हूँ टैरो कार्ड से ओवरऑल फिर इस टाइप का क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। इसके साथ रहेगा एंजेलिक गाइडेंस जो रीडिंग की बात। चलिए मैं देखती हूँ कि टैरो कार्ड से क्या एनर्जी है। हेवी एनर्जी है, मैं जो एनर्जी मुझे तो लगता है आप लोगों में भी बहुत लोगों का हेवी एनर्जी होगा, सबका नहीं बहुत लोगों का होगा। फर्स्ट कार्ड सिक्स ऑफ वांड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वांड्स, टावर कार्ड, हाई प्रिस्टेस, ऊपर में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नीचे हाई प्रिस्टेस। हैंगमैन, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ कप्स। ये पर्सन का कुछ मॉनेटरी इश्यू हो सकता है बहुत ज्यादा। ऐसा बहुत लोग है जो मॉनेटरी कोई चीज लेके थोड़ा प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं स्ट्रांगली। एंड ये कहीं ना कहीं से अभी बहुत ज्यादा करियर में फोकस्ड हो रहा है, अपना उन्नति पे फोकस्ड हो रहा है। ठीक है, एंड इनकी जिंदगी में ऐसा कोई तो है जो कंट्रोल करते हैं, जो कंट्रोलिंग एक सिचुएशन में है, जिस कारण के लिए आपको ये कहीं ना कहीं से एक सीक्रेसी मेंटेन करके, आपसे ओपन अप नहीं करते, सीक्रेसी मेंटेन करके चलते हैं। मगर इसके लिए ये खुश नहीं है, यहाँ पे आपको मिस भी कर रहा है, यहाँ पे एंजाइटी में भी आया, वहां पे भी आया था ना कार्ड्स में भी हम लोग देख रहे हैं हैंगमैन, एंजाइटी, ये सिचुएशन में एक्चुअली ये पर्सन है। मगर कोई कोई चीज में इनको लेजीनेस है, ये सोच रहा है कि धीरे धीरे काम आगे कैसे जाए, इस टाइप का एनर्जी में है ये। हाँ, इनका बहुत फॉलोअर्स भी है, मैंने बोला ना इनके हाथ पे ऑप्शन है, मगर यहाँ पे कोई चेंज आने वाले है इनकी जिंदगी में, कुछ चेंज दिख रहा है, कुछ तो चेंज होगा जो आप लोगों को रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देने वाले है। ये जो कोई चेंज आने वाला है जो आपकी जिंदगी को, आपका रिलेशनशिप को एक चेंज देने वाले है बहुत जल्द। ये महीना का, ये साल का अक्टूबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जून भी है अक्टूबर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट महीना मुझे जो यहाँ से फील हो रहा है, मुझे जो स्पिरिट गाइड से जो फील होता है मैं वो एनर्जी फील कर रही हूँ। ठीक है, जून एंड अक्टूबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ पॉजिटिव दिख से मैं बोल रही हूँ। ये कहीं ना कहीं से आपको गिफ्ट देना, आपसे जो भी इनका प्रॉब्लम हुआ है कहीं ना कहीं से आपसे वो चीज को डिस्कस करना चाहते हैं, मगर सिचुएशन ऐसा है जिसमें वो कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं इस मोमेंट पे। फीलिंग बहुत है, बैलेंस करना चाह रहा है, मगर बहुत सारा प्रॉब्लम इनका एंग्जायटी के कारण बन रहा है, इस मोमेंट का एनर्जी वही दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या है एंजेलिक गाइडेंस फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट टू सी व्हाट इज योर गाइडेंस, व्हाट इज योर गाइडेंस एंजेलिक गाइडेंस।
Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Further healing is possible at this time. So this is the thing. यहाँ पे जो energy मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों में इस टाइम जो है दिस इज अ टाइम ऑफ फीलिंग, दिस इज अ टाइम ऑफ फॉरगिवनेस. कोई भी गुस्सा, पुराना ये हुआ था वो हुआ था, ये सब दिमाग में दिल में छुपा के मत रखिए. ओपन अप कीजिए, हो पुनो पुनो मेथड अप्लाई कीजिए. अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्विन फ्लेम कोचिंग ले रही थी, उसमें भी मैं करा रही थी, क्योंकि वहां पे कोई भी मैनिफेस्टेशन करने से पहले, कोई भी चीज को साकार करने से पहले वो वाइब्रेशन में जाना बहुत जरूरी है. थोड़ा हो पुनो पुनो मेथड बिल्कुल अप्लाई कीजिए. मैं शॉर्ट्स में भी लेके आई थी, शॉर्ट्स चेक करना प्लीज. जरूरत पड़े तो आज फिर से मैं शॉर्ट्स बना दूंगी, कल आप देख पाओगे. ठीक है. सो फॉरगिवनेस, हीलिंग, ये सब प्रॉपर्टी आपके अंदर बहुत जरूरी है, जो चीज आपको ये फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएंगे. एंड देखते हैं नेक्स्ट क्या है. तो मैरियम, चूज फॉर फॉरगिव, यहाँ पे भी फॉरगिवनेस, चूज फॉर फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेम्बर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज. ठीक है ना, लव का कोई बाउंड्री नहीं होता. सो हर चीज में अनकंडीशनल लव से भर दीजिए. बार बार बोल रही हूँ, पुराना चीज, पुराना गुस्सा, ये सब चीज छोड़ के अनकंडीशनल लव में हर चीज को देखिए. आपकी जो पर्सन है जिनके लिए आप सोच रहे हो, उनका भी पुराना क्या हो चुका है, ये किया है वो किया है, ये सब से निकाल के उनको बस लव वाइब्रेशन से कीजिए. ठीक है ना. तो ये था आज का रीडिंग. होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और डिटेल है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए. कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही तो आपके साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बांधा रहता है. एंड कोई भी विश हो, फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन. अभी इतना अच्छा एनर्जी, जहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन हो रहा है, प्रेयर फुलफिलमेंट हो रहा है. मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, रेकी मदर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है वो फुलफिल हो जाए. एंड होने के बाद आप लोग मुझे इतना थैंक यू मैसेज भेजते हो. थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड. मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे. थैंक यू.